राखी जी बहुत गर्मी है, आओ आओ इधर आओ। बहुत गर्मी है क्या? हाँ हाँ, आपको नहीं लग रही है क्या? अच्छा, वही तो मैं सोच रही हूँ, मैं आ गई हूँ इंडिया, इसलिए गर्मी हो गई है। क्या बात है राखी जी, भाई गर्मी अभी दूर रहो, थोड़ा मेरे पे चढ़ो मत। नहीं नहीं, आप ठीक है ठीक है, थोड़ा दूर रहो। अरे यार मेरे अंदर मत घुसो, मेरे पे चढ़ो मत। मैं चढ़ गई तो तुम खत्म कहानी। चलो रुको यहाँ पे, रुको तो सही। अरे बाप रे, वाह, इज माय फ्रेंड इज हियर, वाह क्या बात है। उसी आगे रखा है टूटा। हाँ जी लोग, हाउ डू यू डू, क्या बात है, क्या बात है, कितने दिनों के बाद मीडिया को देखा मैंने। है वो भी इतनी सारी? हाँ जी, 6 महीने बाद। 6 महीने के बाद क्या आई शॉर्ट? 6 महीना ओबेस को पूरा याद है भाई। सुनो भाई, 6 महीने में तो एक 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 बच्चा ही हाथ में लेके आ जाती है। हाँ। नहीं 9 महीने, 9 महीने इनका दो चीज। अच्छा बच्चा 9 महीने में पैदा होता है? नहीं, मेरे 6 महीने में हो जाता है। आजकल बहुत फास्ट है, बच्चे बहुत जल्दी पैदा भी होते हैं और बच्चे जल्दी बड़े भी हो जाते हैं। वाई फाई से तो मैं तो खुद ही जीता जागता वाई फाई हूँ। थोड़ा ये साइड में आ जाओ भाई, थोड़ा उधर आ जाओ। नहीं, आगे भागेंगे। आप लोग पीछे हो जाओ ना, यार आगे क्यों जा रहे हो यार? राखी जी आ जाओ साथ में, दो कम क्लोजर। कम क्लोजर क्या भाई? ये मेरे मित्र है, कम क्लोजर का काम नहीं है ये मेरे एडवोकेट भी है, मेरे मित्र भी है और मेरे वेलविशर भी है। क्या डिटेल बताओ? खेत वाला नहीं, उन्होंने बोला है ना मेरे को आपसे कुछ लेना है ना आप मेरे से कुछ। उसके बाप का कानून है क्या? नहीं नहीं, देखिए वो अपने आप को क्या समझता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं, मुझे सिखाएगा मीडिया से, मीडिया में कैसे आना, मीडिया से आंख मिचोली खेल रहा है। उसके बाप का कानून है क्या हिंदुस्तान का? हाँ, वो खुद को पुलिस या कानून थोड़ी समझ रहा है। उसके कहने से पुलिस और कानून काम करेगी। जो खुद ही क्रिमिनल है, जिसके पास हजारों केसेस खुद पे हैं, वो दूसरे पे एलिगेशन लगा रहा है। उसकी भैया उसके मैसूर में उसके 25-25 केसेस है, हिंदुस्तान में यहाँ पे मुंबई में उसके 4-4, 5-5 केसेस है, 10-12 केस अभी और आने वाले हैं। वो राखी सावंत को सिखाएगा और हिंदुस्तान के कानून को सिखाएगा, मुंबई के पुलिस को सिखाएगा कि राखी को अरेस्ट करो। और अभी एक वीडियो वायरल, क्या बोलते हैं आप लोग, बोलते हो ना कि किया है कि मुझे एडवोकेट का कॉल आया है कि राखी को माफ़ कर दो, मुझे राखी का मैसेज आया है मेरे फ़ोन में। आप लोग देखो, आज तक मैंने उस गधे को, उस ज़िंदगी जो ख़राब करता है वो बंदा हर औरतों की, उसको कभी भी मैंने कोई मैसेज किया नहीं है। उसका ही फ़ोन आता है और दूसरी शादी के बाद सोमी एक अच्छी लड़की, शरीफ लड़की, दूसरी शादी करी उसने, मुझे डाइवोर्स दिए बगैर, शादी के बाद भी मुझे अपना मुलुंड दिखाता है वो अपने मुलुंड दिखाते हैं, मुलुंड के फोटो भेजता है। हैं, शर्म नहीं आती? शादीशुदा होके भी मुझे मुलुंड के फोटो भेजता है, शेम ऑन यू। समझता क्या है तू अपने आप को? बड़ी सीवियर क्राइम है, आप भेज नहीं सकते हो ऐसे। हम लोग उस पर सीरियस एक्शन लेंगे और जितना भी है, लाइक ये राखी को जितने भी टॉर्चर किए हैं, इवन इसके बहुत सारे वॉइस रिकॉर्डिंग है जिसमें ये बोलता है कि मुझे प्रॉपर्टी तुम्हारी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग लीगल एक्शन में लेंगे। मुझे प्राइवेट उसने मुलुंड का फोटो भेजा है, मुझे उसने मुलुंड का फोटो भेजा है,
वो लैंड क्रूज अपने आप को समझता क्या है? हैं, मैं सिंगल हूँ, जब उसको मुझे उसको शेम ऑन हिम यू नो कि शादी की, उसने अपनी शादी कर ली फिर भी मुझे अपने मुलुंड का फोटो भेजता है। हाँ भाई, मुझे कहता है डिड यू मिस दिस? अरे तेरी मूंगफली को कौन मिस करेगा भाई? हैं, राखी सावंत को मूंगफली नहीं चाहिए? तुम क्यों हंस रहे हो? मूंगफली पैसे आ गए और ये गलत है। एक भारतीय नारी के, नारी को, एक शरीफ लड़की को आप मुझे अपने मुलुंड का फोटो भेज रहे हैं? कभी कभी गोरे गांव का फोटो भेजता है मुझे, कभी मुलुंड का भेजता है, और उसके बाद फिर जाके चार्ज फ्रेम करवाता है कि ये राखी के द्वारा किया गया है। तो ये सारी चीजें हम लोग बहुत सीबीआई से, मेरी सटक गई ना आता माजी सटक ली, अगर मेरी सटक गई ना तो मैं तेरे गोरेगांव, तेरा मुलुंड थाने, 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 वासी, क्या बोल रहे हो, उरला बैंड, अरे मेरे मुलुंड के बीच में आपका थाने कहां से आ गया भाई? तेरे मुलुंड, तेरा गोरेगांव, तेरे मलाड़ को मैं ऐसा पैर रख के ना ऐसे कुचल दूंगी। कैसे कैसे ऐसे? अरे बाप रे बाप, अरे तो हाँ, ज्यादा डेढ़ शाणा मत बन, समझा? तेरी औकात नहीं है दे सके, देते खुल, मेरे को अधिकार है कि नहीं खुला लेने का? मैंने उसको बोला कि तू मुझे ओ खुला दे, तो कहते मैं बीच रास्ते पे आऊंगा और खुला दूंगा। मैंने बोला मुझे शादी का खुला दे, तेरा वो वाला खुला नहीं चाहिए, वो मुझे और मुलुंड का खुला देने की बातें कर रहा है। आप समझ रहे हो क्या कह रही हूँ मैं? दिस इज शेम, एक इनोसेंट लड़की को फंसाया। आपको समझ में आया हाउ इनोसेंट आई एम? मेरी जिंदगी बर्बाद करी हैं, और मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि थैंक यू सो मच कि सोमी ने वक्त से पहले ये दूसरी शादी के भी फोटो वीडियो वायरल किए, वरना उसको भी उसके साथ भी तीन पांच कर लेता। वो क्या करता? तीन पांच, हाँ, सबको मुलुंड और मलाड़ दिखाता है जो कि है मूंगफली। अच्छा राकेश जी, सोमी के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? कहती हूँ बेचारी वो लड़की को अपना प्रॉपर्टी उसके नाम करना मत, मेरा तो इसने सारा जेवर लेके भागा है, जो कि जेवर मुझे रितेश जी ने गिफ्ट में किए थे, गिफ्ट किए थे इनके जेवर ही, इन्होंने मुझे गिफ्ट किए थे जेवर, एम आई राइट? तो इन्होंने गिफ्ट किए थे, तो बोलना नहीं बोलना है? अच्छा छोड़ दो, जाने नहीं बोलना है, पता है वो मेरे जेवर थे, और 3.5 करोड़ का चेक मेरे पास है जो बाउंस अभी सारे हो गए। बस सोमी को हम लोग बोलना चाहेंगे कि आप कभी भी पैसे का कोई कंट्रोल इसको देना नहीं, और ना ही कोई प्रॉपर्टी इसके नाम पे करना, कितना भी ये करे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ना कि राखी के, बहुत सारे केसेस आपको धीरे धीरे खुलने में आएंगे, बहुत सारे केसेस, क्योंकि इसने पहले हम लोग इसको चांस दिए थे कि चलो एटलीस्ट तुम जहाँ से भी जेल होके आए हो तुम सुधर जाओ इसके बाद, क्योंकि सबको सुधरने का चांस होता है। हाँ। लेकिन ये अपने हरकतों से बाज नहीं आया, फिर से वही काम किया, उसके बाद राखी को परेशान करना शुरू किया, बहुत सारे टॉर्चर किए, बहुत सारे लोगों को कभी कहता है कि पुलिस मेरे जेब में है, कभी कहता है कानून मेरे जेब में है, तुम्हारे लॉयर को खरीद लिया हूँ, ये कभी कभी मुझे कहता है तेरे ही पैसों से मैंने सबको खरीद लिया है। हाँ, तो ये बातें, ये गलत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं साजिश था राखी को टॉर्चर करने का, मेंटली प्रेशर करने का, कि राखी को या तो कुछ हार्ट अटैक आ जाए या खुद सुसाइड कर ले। ओ, ये सारी चीज़। सर, मेरे को हार्ट अटैक नहीं आएगा, मैं लोग को हार्ट अटैक दिला दूंगी, क्या बात करते हो? राखी सावंत नाम है मेरा, तो उसकी बीवी को एक ही कहना चाहती हूँ, सुमी बहन, कोई पैसे, जब बाथरूम में जा नहाने तो करण अर्जुन छुपाना, गोरेगांव छुपाना, ये दरिंदा है, वीडियो बना के बहुत सारी कंट्रियों में बेचता है, इसने मेरे वीडियो बनाए हैं,
जिसने मेरे वीडियो बनाए मैं पुलिस को दिए हैं, मैं मीडिया को नहीं दे सकती हूँ। मैं आपको दिखाया था मैंने, एम आर राइट सर? बताओ। वो सारे चैट हम लोगों ने देखे हैं, जो भी इसके कन्वर्जेशन थे, जो इंटरनेशनल देश से बाहर है, और मैं इन प्रिसाइजली आपको इन प्रिसाइजली आपको बोलूं कि वो कम्युनिकेशन पाकिस्तान हुए हैं, उस पर बहुत सीवियर एक्शन हो सकता है। मैं हम लोग अभी तक उस पर सीवियर, क्योंकि हम लोग सोचे थे कि चलो भाई सुधर जाएगा इंसान, लेकिन ये सुधरने वाला है नहीं। तो इसको अब इसी के लैंग्वेज में हम लोग सिखाएंगे, बहुत अच्छी तरह सिखाएंगे। और एक भी राखी का बाल बाका हो गया तो तुम्हारा क्या क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो, तुम क्या क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हारे साथ खानदान ये सोच के पछताएंगे कि मैं फिर क्यों ऐसे हरकतें किया। और जितनी भी लड़कियों के साथ तुमने किया है, जितनी भी लोगों के साथ किया है, अब हम लोग पूरे जय छय के मूड में हैं। तुमको हार सिखाने कहने का मतलब है कि अगर मेरा एक बाल भी बाका हुआ, एक मेरा बाल भी बाका हुआ, तेरा क्या क्या टेढ़ा होगा ना, तेरा क्या क्या टेढ़ा होगा अगले 7 पुश तक। तेरे खानदान में कोई भी टेढ़ा हुई चीज़ें वापस सीधी नहीं कर पाएगा। अभी तो देख तेरी क्या क्या चीज़ें टेढ़ी होती हैं। और बाकी जो लोग हैं जो इनके साथ इन्वॉल्व हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये गिरो है गिरो, ये आज आखिरी मौका है आपके पास। आज के प्रेस मीडियम से आपको आखिरी मौका है, चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर करके इससे अलग हो जाओ, नहीं तो उसके बाद आपका भी काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। आप ये इसको खुली चुनौती। ओ बेटे अपने काउंटडाउन शुरू कर, तो मुझे अरेस्ट कराने वाला था। रियली गाइस, इसने अपने वीडियो में देखो साफ साफ बोला है कि उसने मुझे 5 महीने प्रताड़ित किया, हालांकि मैंने नहीं किया। yes. उसकी ईरानी एक गर्लफ्रेंड थी, उसने उसको जेल में पहुंचाया था, यू नो रेप केस में। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो दुनिया के सामने सच्चाई इसकी वापस लाई हूं मैं। इसमें मीडिया में इसने क्लियरली कबूल किया है कि आपने मुझे 6 महीने जेल भिजवाया था, जो कि राखी ने कहीं नहीं भिजवाया था, और 22 डेज राखी की वजह से। ऑफकोर्स आप कुछ गलत करोगे तो आप जेल जाना, तो वो हमारे हाथ में नहीं है ना, वो तो कानून ने भेजा आपको। लेकिन इसने बोला कि तो मैं भी 6 महीने आपको बाहर रखा, ये इसने कबूलनामा दिया है, इस पर भी हम लोग लीगल। अबे गधे, तू मुझे क्या बाहर रखेगा, दुबई में मुझे 10 साल का वीज़ा दिया है, यू नो गोल्डन वीज़ा। आई रिस्पेक्ट दुबई, आई रिस्पेक्ट UAE। मुझे वहाँ घर मिला, प्यार मिला, दोस्त मिले, वीज़ा मिला। UAE जिंदाबाद, UAE जिंदाबाद, यू नो आप समझ रहे हो। हाँ, ये सारा क्रेडिट अपने पे लेता है। अरे तो मीडिया वालों, तुम लोग वेल्ले हो जो ऐसे छपरी को, एक नंबर के छपरी को छापते हो कुछ भी। हाँ ये मीडिया, अरे मैं उसको चैलेंज देती हूँ, तेरे में दम है रितेश को आके मिल एक बार, है तेरे में दम। मीडिया क्यों उस ऐसे बंदे को छाप रही है जिसके पास कोई तथ्य नहीं है? बताओ, आप बिग बॉस के पहले बोला कि बिग बॉस में मैं जा रहा हूँ, मैं राखी के साथ जा रहा हूँ, कोई भी आप लोगों ने प्रूफ मांगा, एक भी प्रूफ मांगा कि क्या आपके पास प्रूफ है, क्या एविडेंस है, आपको किसने अप्रोच किया है? तो आपने कहीं नहीं मांगा, ये हमारा कोर्ट का फैसला है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ दोस्तों, ईमानदारी, जिस वीडियो पे उसने मेरे पे केस किया, पहली बात तो मैंने वो वीडियो मैंने कभी देखा नहीं था, मुझे किसी ने मैसूर में 6 साल पहले रिलीज हुआ था भाई साहब, उस वीडियो में ऐसा दिखाया है, आप देख लो खुद जाके यूट्यूब में है वो चीज़ें, वहाँ पे जो दिखा रहा है अपना ख़जाना। मैं तो एक लड़की हूँ, लड़का होता ना तो वो ख़जाना मेरे काम का भी होता है, हैं? वो जो अपने अस्त्र शस्त्र और अपना जो ख़जाना दिखा रहा है, वो ख़जाना जाके देखो, मेरे तो किसी काम का ख़जाना नहीं, काम इनके काम का है वो खजाना। सॉरी माफ करना, मतलब लड़कों को दिखाने वाला खजाना है वो वीडियो। अपना गोरेगांव है ना, अपने गोरेगांव की सुरंग दिखा रहा है वो, गोरेगांव की सुरंग दिखा रहा है भाई वो वीडियो जो भी बनाया है इसने। आप ये बताइए कि वो वीडियो कहीं से लग रहा है कि ये खुद से शूट किया है, तो ये एक बात बताइए कि वो राखी के पास कैसे पहुंचा। जब राखी के पास, ऑफकोर्स ये अपना खुद से वीडियो बनाया होगा, पहली बार ये किसी को भेजा होगा, तब तो वो वीडियो घूम के फिर राखी के पास आया, तो पहला तो क्राइम इसी ने किया। ये सारी चीजें, इसकी एक मुंह बोली माँ है, मुमताज माँ मैसूर में, उसने मुझे भेजा था, और इसने मेरा फोन हैक करके मेरे पे क्राइम का आरोप डाला है। और सारी आईटी मीडिया, देखो देश की आईटी मीडिया कानून बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपको तुरंत ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी,
कि किसने भेजा है, क्या करना है, वो तुरंत आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बंदा तमाम झूठ बोलता है, जैसे हमारे कोर्ट के जजमेंट को भी इसके पास कोई एविडेंस नहीं था और ये खुद ही जाके सारे मीडिया में बोल रहा है, तो कहाँ से मैं तो अभी तो इंडिया में आके मैं तो बहुत ऐश कर रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मेरा अभी दिल कर रहा है हीरा मंडी जाके फिल्म देखूँ। चलो थैंक यू। हीरा मंडी चलो। बट आपको नहीं लगता कि हीरा मंडी की जो कास्टिंग गलत हो गई है? हीरा मंडी में राखी जी को रहना। अरे हेलो, हीरा मंडी में मैं होनी चाहिए। वही बोल रहा हूँ मैं। और उर्फी होनी चाहिए और मरलिन खोपड़ा होनी चाहिए। असली मंडी समझ जाओ। चलो है ना, जगह तो जाने दो। आप समझ रहे हो, हीरा मंडी हमारे लिए ही होनी चाहिए थी। कास्टिंग गलत नहीं हो गई? संजय लीला भंसाली जी क्या हो गया आपको? कास्टिंग बहुत गलत करी है आपने। मुझे लगता कास्टिंग बहुत गलत हो गई हीरा मंडी। मैं होनी चाहिए थी। मैं जो मुजरा करूँ की कोई और कर सकता है क्या? गजरा लगा के करो मुजरा। चलो आज के लिए बस इतना। आप प्राइवेट की वीडियो मेरे क्यों बना रहे हो? किसके लिए बना रहे हो? मेरे लिए क्यों बना रहे हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ थोड़ा आ जाओ। राखी जी को सेंड कर दो। हां रवि भाई दे दो कैमरा पास। अरे ये पटपटा शेर नहीं अकेले आती है, अरे झुंड में तो सुअर आते हैं। आता माजी सटकली आज तो टाइम तुझे अटक ले। आज तो बात लग जाएगी। आज तो क्या भाई, आप लोग को शायद पता नहीं है मेरे बारे में। यू गाइस आप लोग मुझे जानते नहीं हो मैं कौन है ना। मैं तो जानता हूँ। मैसेज पहुंचा दो कि बे तो अभी बच्चा है मेरे सामने, समझा? मीडिया में तेरा हगा पादा सब आके उधर बोलता है, गाइस मैं ये कर लिया हूँ, मैं वो कर लिया हूँ। हाँ, दुनिया को बताना कि तूने मीडिया के लिए मेरे से शादी करी थी। दुनिया को बताना कि मेरा इस्तेमाल कर रहा था। शेम ऑन यू, एक शादी जैसे पवित्र बंधन को है। मेरा तो दिल करता है ना इसका मलुंड तोड़ दूँ, इसका मलाड तोड़ दूँ, इसका गोरे गाँव पे लात मार दूँ जो गरे गांव के सुरंग के वीडियो बना रहा है। अरे धूप है जाने दो। चलो भाई राखी जी आ गए। गाड़ी आ गई क्या? गाड़ी आ गई। अभी तो ये बहुत वायरल होने वाला है। हल्ला बोल। क्या स्टेज है ये? हल्ला बोल। मुझे मेरे मुंबई के देश के कानून से न्याय चाहिए। हल्ला बोल, हल्ला बोल। चलो चलो बस बस, न्याय चाहिए मुझे, न्याय चाहिए। फोन गरम हो गया। चलो क्या गरम हो गया? फोन क्या गरम हो गया? मुझे देख के अच्छा अच्छा का मलाड मुलुंड गरम हो जाता है। तुम्हारा तो सिर्फ फोन है, हटा सावन की गट्टा। क्या बस बस। अरे मेरी कार है क्या? नहीं नहीं, आपने को ड्राइवर चाहिए? जिम स्टार डाल से पर्सन है। अरे इधर एक। अरे वाह, कितने बजे निकलने वाले हो? क्या निकलने वाले? कितने बजे? नहीं आज नहीं निकलेगा, जिसका तुम्हें इंतजार है। चलो चलो गोरे पीछे खाएंगे।